हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी कंप्लीट हेल्थ गाइड वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आईब्रोज की डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से घरेलू टिप्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आईब्रोज में रूसी यानी कि डैंड्रफ सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि आईब्रोज में भी डैंड्रफ होती हैं। जी हाँ, डैंड्रफ यानी कि रूसी मुख्य रूप से बालों की एक प्रॉब्लम है। डैंड्रफ सबसे ज़्यादा सिर के बालों में पाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये भावें यानी कि फ्रेंड्स हमारी आईब्रोज में भी हो सकती हैं। आपके सिर में डैंड्रफ का होना आपकी शर्मिंदगी का कारण हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जब डैंड्रफ आपकी आईब्रोज पर भी हो तो ये और भी ज़्यादा शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। हालांकि आईब्रोज पर रूसी होना कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके बालों की रूसी से ज़्यादा कष्टकारक होती हैं। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये सफ़ेद डैंड्रफ यानी कि रूसी कभी कभी हमारे आँखों में भी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आँखों में खुजली या फिर जलन यानी कि इचिंग और साथ ही इरीटेशन हो सकती हैं। लेकिन फिर भी समय पर इसका इलाज कर आप अपनी सुंदरता को बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स आईब्रो की डैंड्रफ यानी कि रूसी का इलाज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने सिर के डैंड्रफ के लिए करते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप भी आईब्रोज की रूसी को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले आईब्रो के डैंड्रफ को हटाने के कुछ घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इनका इस्तेमाल करके आप आसानी से आईब्रो की रूसी यानी कि डैंड्रफ से राहत पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आईब्रोज की डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से होम रेमिडीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है रोज़ाना आंवले के तेल से आप आईब्रो का मसाज कीजिए। इसके नियमित उपयोग से आईब्रोज की डैंड्रफ से आपको राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट वाला उपाय है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल हमारे त्वचा से संबंधित किसी भी समस्या से हमें आसानी से राहत दिला देता है। आप चाहे तो अपनी आईब्रोज में एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। इसे बनाने के लिए आईब्रो में ही लगाकर रहने दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप साफ पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। यह आपके आईब्रोज में होने वाले डैंड्रफ को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, आप रोज़ाना रोजमेरी तेल यानी कि रोजमेरी ऑयल से अपने आईब्रोज की मसाज कीजिए। ये एंटी बैक्टीरियल होता है और फ्रेंड्स इस तेल के नियमित उपयोग से आपको डैंड्रफ से राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट वाला उपाय है फ्रेंड्स नमक। जी हाँ, आपकी आंखों के आसपास नमक लगाना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ये उपाय वास्तव में आईब्रोज के डैंड्रफ को हटाने का बहुत ही अच्छा उपाय है। जी हाँ, नमक आईब्रोज की रूसी से आसानी से आपको राहत दिलाने में हेल्प करता है। ये बालों के बीच जमा हुआ त्वचा की डेड सेल्स को भी दूर करके आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे कि आपके आईब्रोज में होने वाले संक्रमण को रोका जा सकता है, जो कि फ्रेंड्स आपके आईब्रोज में होने वाली रूसी यानी कि डैंड्रफ का प्रमुख कारण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आईब्रोज की रूसी को दूर करने के लिए आपको एक छोटा चम्मच नमक और एक कप पानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप एक कटोरी में एक चौथाई कप पानी को लीजिए और एक बड़ा चम्मच नमक डालें और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप इस पानी में कॉटन बॉल को डुबोएं और इसे अपनी आईब्रोज पर लगा लीजिए। लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए और फिर इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। और बेहतर परिणाम पाने के लिए हर दिन आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। इससे बहुत ही जल्द आपको आपकी आईब्रोज की डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, मेथी एक ऐसा घरेलू उपचार है जिसकी मदद से हम बालों के गिरने यानी कि हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके आईब्रोज में रूसी हो तो ऐसे में आप मेथी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जी हाँ, मेथी में एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। आप इसके हेल्प से आसानी से आईब्रोज की डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप मेथी के बीजों को पीसकर पेस्ट बना लीजिए, फिर आईब्रोज पर लगाकर 1 आवर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप साफ पानी से अपना चेहरा धो लीजिए और फ्रेंड्स आप इस उपाय को रोज़ाना ट्राई करते रहिए। इसकी मदद से कुछ ही दिनों में आपको आपके आईब्रोज के डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले उपाय में फ्रेंड्स, आप 1 कप डिस्टिल्ड वाटर में साफ धुली हुई 1/4 कप तुलसी की पत्तियां यानी कि बेसिल लीव्स और साथ ही 1/4 कप नीम की पत्तियों को डालकर धीमी आंच पर 15 मिनट तक उबाल लीजिए और आंच बंद करके इसे ठंडा कीजिए। फिर छानकर इसे कॉटन की हेल्प से आईब्रोज पर लगा लीजिए। 30 मिनट बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए।
दोस्तों आप चाहे तो इस पानी का इस्तेमाल अपने पूरे चेहरे पर भी कर सकते हैं। जी हाँ, और फ्रेंड्स इस उपाय का रोजाना इस्तेमाल करने से आपको आईब्रोज की डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले उपाय में आप सिरका और साथ ही पानी को बराबर मात्रा में लेकर इसका एक मिश्रण बना लीजिए। अब इसे आईब्रोज पर लगा लीजिए और 2 घंटे बाद गीली कॉटन से इसे साफ कर दीजिए। रोजाना इस उपाय को करने से फ्रेंड्स आपके आईब्रोज की डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर अपने आईब्रोज के डैंड्रफ को भी खत्म कर सकती हैं। जी हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि आप नींबू के रस के साथ हल्का सा पानी भी मिला लीजिए, उसके बाद इसे अपनी आईब्रोज पर लगा लीजिए। यह आपके आईब्रोज की डैंड्रफ को आसानी से छुटकारा दिला देता है। दोस्तों नेक्स्ट वाले उपाय में आप एग ऑयल यानी कि अंडे के तेल का इस्तेमाल कीजिए। यह आईब्रोज की रूसी से राहत दिलाने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप इसके लिए फ्रेंड्स अंडे के तेल की कुछ बूंदों को अपनी आईब्रोज में लगा लीजिए और ऐसा करने से आप आसानी से आईब्रोज में हुई रूसी से राहत पा सकती हैं। फ्रेंड्स एग ऑयल त्वचा में नेचुरल ऑयल्स का उत्पादन करती हैं। यह आपकी त्वचा को रूखेपन और साथ ही डैंड्रफ से भी बचाता है, इसीलिए आप एग ऑयल यानी कि अंडे के तेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी त्वचा रूखी है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके आईब्रोज में इसकी वजह से रूसी हो जाए। ऐसे में आप बादाम के तेल से अपनी आईब्रोज को मसाज कर सकती हैं। ऐसा आप रात को सोने से पहले ही कीजिए। यह आपके आईब्रोज को डैंड्रफ से राहत दिलाने के साथ ही बालों के झड़ने को भी कम करता है। अगली सुबह अपनी आँखों को धोना ना भूलें। ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि इससे आपके पोर्स बंद हो सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसे रोजाना अपना सकते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स आप बादाम का तेल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स ये थे आईब्रोज की डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से होम रेमेडीज। अगर आपके भी आईब्रोज में डैंड्रफ हो गया है तो आप इन नेचुरल उपायों को ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको ना ही कोई साइड इफेक्ट होगा और साथ ही से आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्योरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय।